स्वागत है आपका अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सी टेट का मॉक टेस्ट। जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो पहला सवाल है, सवाल नंबर एक आपकी स्क्रीन पर, कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही जवाब आपको चुनना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि टी। दूसरा सवाल है, इस्म जामिद की कितनी किस्में होती हैं। तो जो बनावट के एतबार से इस्म को डिवाइड किया गया है उसी का एक पार्ट है इस्म जामिद, दूसरा पार्ट है इसमें मसदर, तीसरा पार्ट है इसमें मस्तक। तो अब इसमें जामिद को डिवाइड किया गया है तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दो। कौन सी? इसमें नकरा, इसमें मार्फा यानी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर तीन। जो इस्म किसी लफ्ज़ से ना निकला हो, ना उससे कोई और दूसरा लफ्ज़ निकले, तो वो कौन सा इस्म है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और उसका जो सही जवाब है उसे कहते हैं इस्म जामिद, यानी इस्म जामिद किसी दूसरे से नहीं निकलता। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो सवाल नंबर चार है, इसमें मार्फा और इसमें नकरा की कितनी किस्म होती हैं। इसमें मार्फा और इसमें नकरा, ये इसमें जामित के जो टाइप हैं। तो इसमें मार्फा और इसमें नकरा, तो ये किस्म की हुई ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इसमें जामित की। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर पाँच। जो इस्म खुद तो किसी से ना निकला हो मगर उससे दूसरे कलमे निकलते हो, क्या कहलाता है? खुद किसी से ना निकला हो लेकिन दूसरे उससे निकलते हो, तो इसका जो सही जवाब है इसका उस इस्म को कहते हैं इसमें मस्तर, यानी खुद तो ना निकला हो लेकिन उससे दूसरे निकल जाए। सवाल नंबर छः, किसी मस्तर से बनने वाले इस्म को इस्म क्या कहलाता है? मसदर यानी खुद नहीं निकलता हो, दूसरों को दूसरे उससे दूसरे जो है कलमे निकल जाएं, तो यानी अभी अगला टाइप आ जाएगा। तो इसका सही जवाब है इसमें मुश्तक यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर सात। वो लफ्ज़ जो किसी ख़ास शख्स, जगह या ख़ास चीज़ का नाम हो, क्या कहलाता है? यानी ये ख़ास सख चीज़ यानी इस्म ख़ास जिसे बोलते हैं, और वो इस्म मार्फा है। इसमें मार्फा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें मार्फा इसमें जामिद का ही एक टाइप है। तो रिलेट करते चलें चीज़ों को, जल्दी समझ में आएगी। सवाल नंबर आठ, जो लफ्ज़ अपनी किस्म की सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो वो क्या कहलाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो ये एक इसमें आम, अगर हम हिंदी इंग्लिश में कहें से, तो ये इसमें एक आम हो जाएगा अपनी चीज़ की, जैसे लड़का, बैल, इस तरीके से। तो ख़ास चीज़ों को इसमें मार्फा बोलते हैं, और जो आम चीज़ों को हैं तो उसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें नकरा यानी ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर नौ, इसमें मार्फा या इस्म ख़ास की कुल कितनी किस्में हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही यानी छह किस्में हैं। इस्म आम को और क्या कहते हैं, यानी इस्म मार्फा को इस्म ख़ास बोलते हैं तो इस्म आम को क्या बोलते हैं, ये उल्टा पूछा गया, लेकिन इसका सही जवाब है इसमें नकरा। तो इसमें जामिद की दो किस्म होगी, इसमें मार्फा और इसमें नकरा यानी इसमें ख़ास और इसमें आम। तो इसका सही ऑप्शन है इसमें नकरा यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इसमें नकरा की कितनी किस्म होती हैं। तो इसका ऑप्शन है सही जवाब है छः यानी ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी सही। सवाल नंबर बारह, जो वो इसम जो किसी जगह का तसव्वुर पेश करें
सॉरी, वो इस्म जो किसी जगह का तसव्वुर पेश करे उसे क्या कहा जाता है, जिससे किसी जगह का पता चल जाए, जैसे लाइब्रेरी हो गया, स्कूल हो गया, पार्लियामेंट हो गया, तो इससे एक ख़ास जगह का पता चल जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है इसमें ज़र्फ़े मकान, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 13, इसमें इल्म, खिताब, कनियत, तखल्लुस, उर्फ और लकब कौन सी इस्म की किस्में हैं? ये किसी का टाइप है और इसका मेन इस्म पूछा गया है जिसके ये किस्में हैं यानी अकसाम हैं। तो ये हैं इस्म खास, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 14। इसमें ज़ात, इसमें असगर, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़ और इसमें सोत कौन सी किस्म के हैं? तो इसमें ख़ास यानी इसमें मारफा की पहले पूछ ली थी पिछले सवाल में, और अब ये अगला टाइप आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इसमें आम, और इसमें आम को हम क्या बोलते हैं, इसमें नकरा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। सवाल नंबर 15, जो लफ्ज़ किसी चीज़ को बड़ा करके जाहिर करे वो है, क्या है जो बड़ा करके, जैसे इसका अगर हम एग्जांपल लें, जैसे बात का बतंगड़ बनाना, देगची का देग, यानी बड़ा हो रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा इसमें मुकब्बर। तो मुकब्बर का नाम जो है, मकबर का मतलब ही बड़े होने से है, और असगर का मतलब होता है छोटे होने से। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 16, जो इस्म किसी औजार या हथियार का नाम बताए वो है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसमें आला। तो सवाल नंबर 17, जो लफ्ज़ किसी मखसूस चीज़ या किसी जानदार की आवाज़ को जाहिर करे वो कौन सा इसम है, मखसूस चीज़, जगह या जानदार को जाहिर करे वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है, आवाज़ का मतलब होता है सोत, यानी इसम सोत, ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर 18, जो इसम किसी मुकर्रर वक्त, ख़ास वक्त और जगह का तसव्वुर पेश करे, तो इसे अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो इसे इसमें ज़र्फ़ कहा जाता है, क्योंकि ज़र्फ़ मकान तो जगह का हो गया और ज़र्फ़ ज़मान वक्त का होगा, जैसे सुबह शाम वगैरह, ज़र्फ़ मकान स्कूल कॉलेज इस टाइप से, पुस्तकालय लाइब्रेरी। तो इसमें हमें डाउट है क्योंकि इसका ऑप्शन सी सही है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तो इसे डाउट में रखते हैं। लेकिन अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो इसमें इसमें ज़र्फ़ आएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर अगला है, यानी कि सवाल नंबर 19, जो लफ्ज़ किसी चीज़ के नाम को छोटा करके जाहिर करे उसे कहते हैं, तो जो बड़ा करके जाहिर करे उसे मुकब्बर कहते हैं, तो छोटे वाले को यानी असगर माने छोटा, तो इसमें मुसग्गर बोलते हैं इसे। 19 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी सही। जो इसम सॉरी जिस इसम से किसी जगह या किसी मुकर्रर वक्त, मिसलन सुबह, घर, शाम, स्कूल, जगह, आज कल वगैरह का नाम जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? वक्त और जगह अगर दोनों एक जगह आ जाएं तो वो इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। और अगर जगह आ जाए, अगर जगह आए तो इसमें ज़र्फ़े ज़मान सॉरी इसमें ज़र्फ़े मकान, और जो वक्त आ जाए तो उसमें इसमें ज़र्फ़े ज़मान मकान ज़मान, तो ये इसमें ज़र्फ़ की ही दो टाइप हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 21, बादशाहों, उमरा, नवाबों वगैरह की जानिब से जो एजाज़ी नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको
नाम दिया जाएंगे उसे क्या बोलेंगे? खिताब। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल है, किसी खूबी बुराई या वस्फ की वजह से जो नाम पड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? खिताब गवर्नमेंट की तरफ से हो गया, और जो किसी क्वालिटी की वजह से हो गया आपको, या बुराई हो, कैसे भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसका जो सही उसे बोलेंगे लकब, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो सवाल नंबर 23, तखल्लुस क्या है? बहुत आसान सा है तखल्लुस, आप उम्मीद करता हूँ सभी आप इसके बारे में वाकिफ़ होंगे। जो इसमें तखल्लुस है वो है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी शायर या अदीब का मुख्तसर कलमी नाम, जो गज़ल में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे लास्ट वाले मिसरे में होता है वो। आप देखिए, कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, जो खिदमत जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है, बादशाह वगैरह या मौजूदा सरकार की तरफ से भी कह दीजिए, तो उसे बोलते हैं हम लकब, ठीक। और जो शायर कोई छोटा नाम इस्तेमाल करता है उसे बोलते हैं हम तखल्लुस, और जो असली नाम के अलावा घर वाले, बाहर वाले, यार दोस्त, जो कुछ अपना एक छोटा नाम रख देते हैं, जैसे किसी का सोनू, मोनू, चिंटू, तो इस तरह से उसे बोलते हैं उर्फ, उसे उर्फ कहेंगे।